गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड आई वोक अप मिसिंग माय सिस्टर लाइक ऑलवेज. मिसिंग माय सिस्टर बिकॉज ऑल द पीपल हु फॉलोइंग मी एंड दीदी क्लोजली इनफ, यू गाइस नो दैट दीदी इज़ करंटली लिविंग इन बॉम्बे एंड आई एम लिविंग विथ माय पेरेंट्स इन पुणे. सो आई वांटेड टू वॉक यू थ्रू द डे when Nandi sisters are actually apart and we are not together because we both have you know, two different lives. She is in Bombay working on a project and I am here in Pune. I have other work as well. So I wanted to walk you through how my day looks like. वैसे तो आज काफ़ी eventful day है because I have been invited to Symbiosis Institute of Business Management to judge an event. Let's get our day started. सुबह सुबह उठते ही आई गॉट रेडी टू हिट द जिम एंड एब्सोल्युटली क्रश माई लेग्स एट द जिम फॉर लेग डे. सीढ़ियों से उतरने में जान जा रही थी बट लेट्स जस्ट प्रिटेंड एवरीथिंग इज ओके. वर्कआउट डन, नहाना डन, अभी टाइम फॉर स्किन केयर. भाई इतना स्किन केयर करने का क्या फायदा, बिकॉज माई स्किन क्लियरली डजंट केयर. अभी मम्मी इज इन अ फुल ऑन एक्सपेरिमेंटल मूड, तो वी आर गोइंग टू मेक एयर फ्राइड राइस पेपर चिकन पॉकेट्स. मम्मी ने एक दो डेमो दिखाने के बाद मुझे भी मन किया कि अरे यार एक दो तो मैं भी बना सकती हूँ. इट डजंट लुक दैट टफ. नो और ये रहा हमारा एयर फ्राइड राइस पेपर चिकन पॉकेट्स विद सोया सॉस. अमेजिंग, सच्ची सच्ची बोल, कैमरे में बोल रही है. नो, जेन्युइनली इट्स अमेजिंग. हां, इट्स क्रिस्पी. सो यू कैन सैक्रिफाइस मोमोज फॉर दिस. डेफिनेटली. एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू गेट रेडी फॉर द इवेंट. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज मैं पहली बार आई एम गोइंग टू जज an event, so kind of nervous. I was supposed to have a recording session tomorrow but because of some studio availability issues we had to schedule the recording tonight itself, which is in Mumbai. I will have to push off to Mumbai right after the event is done. Gonna be hectic because recording aaj hi raat hai, so I'm kind of nervous about that also. You know what gives true happiness? When you can actually replicate your good eyeliner on the other one. I have replicated it. Guys, this is my final makeup. I am loving it. I'm absolutely loving it. Okay, so this is my outfit. Okay, so I have shortlisted these two bags. I don't know actually. I'm really confused. I like both. Let's just confirm the shoes first. I think these will look really good. I'm just gonna ask the Supreme Court, you know. Mama. Ma, I am really confused about what bag I should take. I love both. The Charles and Keith one is suiting the buttons and the Prada one is suiting my shoes. I think Prada. This one? Yeah. You like it better? Yeah, because your shoes ka jo work hai na, the soles ki, it's the same as your Prada, so that will look better. Okay guys, sort ho gaya. Remember how I told you about me going to Bombay today? Yeah, so usi ka final packing chal raha hai. पैकिंग शैकिंग करके हम फाइनली निकले सिम्बायसिस के लावले कैंपस के लिए, विच टुक अस अबाउट 1.5 to 2 hours टू रीच. उनका कैंपस भी इतना बड़ा कि सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तक पहुँचते पहुँचते हमें और आधा घंटा लग गया. ग्रीन रूम में पधार गए हैं हम एंड सानवी जी हुज बीन कोऑर्डिनेटिंग विद अस, शी जस्ट एंटर्ड एंड शी लेट अस नो दैट
The event will be starting in about 15 minutes. I'm really excited about it. Meanwhile, my co-judge Pooja ji had also arrived. एक तरफ है MBA वर्ग के नए खिलाड़ी और दूसरी तरफ तो फिर शुरू करते हैं ये मैदानी जंग with the passions and match. Are you excited? I am excited. Are you excited? Oh, a lot. राजनीति चल रही है लोगों को पीआर टीम को कोसी टीम को आयुष्मान टीम को मेरा शत शत प्रणाम भाइयों और उनकी बहनों हमारी मांग है कि 11 बजे का कोई कर्फ्यू ना हो यही तो है दिक्कत कि मांझे तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि तलब ही खत्म हो जाती है राजनीति ओवर गाइस अभी इट्स टाइम फॉर सम सिंगिंग फाइनली इवेंट खत्म हो गया और हम चले घर थक हार के आ गए हम घर अभी घर से निकलेंगे बॉम्बे 9:52 यप एंड आई हैव टू डू माय फाइनल पैकिंग एंड लीव फॉर मुंबई ऑल्सो गाइज इट्स जस्ट दैट आई एम क्वाइट ग्रीडी एंड आई डू नॉट हैव पेशेंस तो दे डिड गिव मी अ वेरी नाइस मेमेंटो पैक्ड इन दिस पैकेट बट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड मैंने सब खोल वोल लिया एंड दिस इज द मेमेंटो इट्स अ कार्ड होल्डर अ की होल्डर की रिंग एंड अ पेन इट्स क्यूट एनीवे इट वाज एन अमेजिंग डे आई हैड अ लॉट ऑफ फन द इवेंट वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर अमेजिंग आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू डिड टू व्हाइल वाचिंग माय व्लॉग सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन गुड नाइट